बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी मज़हबी जो वो होते हैं, जिस तरह ईद उल मिलादुन नबी है, मुहर्रम का महीना था, उसमें हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी जितना भी हमसे हो सकता था, जितने हमारे वसाइल थे, हमने सारे बरू कर लाए ताकि ये अमन और अमान से गुजर जाए और दहशतगर्दों को इधर कोई मौका हम ना दे सकें। हमारे सारे फोर्सेस, पुलिस, FC सब इसकी निगरानी कर रहे हैं और तमाम रूट्स पर जो है इंशाल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी गई है। सर, थ्रेट अलर्ट्स भी कुछ रूमर्स हैं, तो उससे मुतलिक क्या कहेंगे? देखिए, थ्रेट अलर्ट्स तो हमारे दुश्मन बहुत हैं, आपको पता है कि साथ में हमसाए मुल्क की ज़मीन इस्तेमाल हो रही है, एक दुश्मन मुल्क का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, वो अपना जोर लगा रहे, अपना कोशिश करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिम्मत और हौसले से जो है उनकी हर हरकत को देख लिया है और उनको पसपा कर दिया, और आज भी इंशाल्लाह ये जुलूस अमन और खैर से गुजर। सर, कितनी डिप्लॉयमेंट की गई है? अगर डिप्लॉयमेंट में मेरे ख्याल से कितना शायद इसका दो ढाई हज़ार तक है इसमें तक। सर, मोबाइल फ़ोन बंद हो रहे हैं क्वेटा में और जो दीगर शहरों में जुलूस बरामद हो रहे हैं क्वेटा के अलावा, वहाँ किस तरह के अरेंजमेंट्स? देखें, जहाँ लोगों की ज़िंदगी का मसला होता है, इतने बड़े इवेंट होता है, उसमें अगर कुछ घंटों के लिए सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोबाइल ऑफ हो तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मोल नहीं है। सर, दीगर शहरों में क्वेटा के अलावा जो जुलूस बरामद हो रहे हैं वहाँ पर? तमाम शहरों में हमने डिप्टी कमिश्नर, DIGs को, SPs को, सबको पाबंद किया है कि सारे जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी आप लोग दे। ओके।